हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो दिन तक देर रात तक गूंजता रहा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वहीं तेज बारिश के दौरान भी महिलाएं ढोल के थपेड़ों के साथ नाचती रहीं। बड़गांव कस्बे सहित आसपास के गांव में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर महिलाओं व बच्चियों एवं बच्चों में खुशी नजर आई और महिलाओं ने मिट्टी के कृष्ण राधा की प्रतिमा बनाई और मंगल गीत गाती बजाती ढोल पर नाचती गाती नजर आई। वही बड़ी संख्या में महिलाओं ने एवं बच्चियों ने हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की को लेकर वातावरण धर्ममय हो गया। वही महिलाओं द्वारा राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन की तैयारी की गई। इस दरमियान गांव के व्यापारी एवं गणमान्य लोग द्वारा एक दिन के मेहमान के तहत कृष्ण राधा की प्रतिमा को वहीं रखा और भोजन प्रसादी को लेकर व्यापारियों द्वारा सभी महिलाओं एवं बच्चियों को महाप्रसादी लेने को लेकर आह्वान किया गया और दूसरे दिन राधा कृष्ण की प्रतिमा को नदी में ले जाकर विसर्जन करने को लेकर बात बताई। वहीं ठाकुर जी भगवान मंदिर सूरज कुंड में व्यापारियों द्वारा महाप्रसादी का आयोजन किया गया। वहीं पर वीर हनुमान आश्रम में महंत श्री 1008 संतोष गिरी जी महाराज, शिष्य मधु गिरी जी महाराज, ओमकार गिरी जी महाराज के सानिध्य में भी श्री कृष्ण गोपाल के आयोजन वीर हनुमान आश्रम मंडार रोड मामा कॉलोनी बड़गांव में किया गया। वहीं मंडार रोड बड़गांव में जिन नगर समाज, भील समाज, माली समाज सहित कई जातियों द्वारा भी गली मोहल्ले में श्री कृष्ण भगवान की झांकियां तैयार कर महिलाओं ने डांस किया और ननद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का जयकारों के साथ मटकी फोड़ कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर कई महिलाओं सहित युवक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बड़गांव से खास रिपोर्ट।